Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our chapter The Earth. इस चैप्टर का हम आज लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. लेक्चर नंबर 2 में हम कौन से दो टॉपिक को कवर करेंगे? ओशियंस एंड वाटर साइकिल. ये दो टॉपिक हैं जो इनको आज हम अपने आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, हमारा ये आप लोग ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो मैंने वीडियोस और स्लाइड्स इसमें इंक्लूड किए. इंशाल्लाह उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये लेक्चर. नंबर 1, ओशियंस. ओशियन इज अ लार्ज मास ऑफ वाटर. ओशियंस क्या होते हैं? इसमें अनकाउंटेबल बहुत ही बड़ा मास है वाटर का. द ग्रेट बॉडीज ऑफ वाटर कवर द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. ये मतलब कि पूरी अर्थ का 71% जो है वो अर्थ या वाटर ने कवर किया हुआ है. मतलब 71% अर्थ का ओशियंस ने जो है वो कवर किया हुआ है. और बाकी 30% पे हम जो लैंड एरिया उसमें से भी हम कुछ पूरे 100% 30% जो है उसका 100% पे तो नहीं रहते, उसके भी हम 50% जो है वो लैंड एरिया पे रहते हैं. ओके, ज्योग्राफर्स ने इस पूरा जो 71% वाटर बॉडी है ऑन अर्थ सरफेस, इसको 5 ओशियंस में डिवाइड किया है. नंबर 1, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. दीज आर दी 5 ओशियंस. और इसके अलावा वो ओशंस का वो या वाटर बॉडी का वो पोर्शन जो एजेस को लगता है यानी लैंड एरिया को टच करता है, दो वाटर बॉडी आर कॉल्ड सी. यानी वो ओशंस का वो पोर्शन जो किसी भी लैंड या कॉन्टिनेंट को टच करता है तो उसको सी कहते हैं. ओशंस बेसिकली किसी भी जो है वो लैंड या ड्राई एरिया को टच नहीं करते. ओपन सी होता है, दैट इज कॉल्ड ओशियन. और ओशियन का वो पोर्शन जो ड्राई एरिया का या लैंड एरिया को टच करता है उसको सी कहते हैं. अच्छा, सी ओशियंस में जो पानी है, या अगर हम ओशियंस की बात करें तो हमारी लाइफ या अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसका कोई पोर्शन या कोई कॉर्नर भी विदाउट ओशियन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये हमारी जो ओशन की इस अर्थ सरफेस में बे इंतहा इम्पोर्टेंस है कि उसके बगैर इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. यही उसकी सबसे ज़्यादा ओशन की इम्पोर्टेंस है. अगर हम क्लाउड्स की बात करें, अगर हम रिवर की बात करें, अगर हम अपने ट्रैवलिंग की बात करें, और अगर ओशन से जो हमें फूड जो मिलता है, इवन ओशन से हमें मिनरल्स यानी ऑयल एंड गैस और दूसरी मिनरल्स मिलती हैं, हमारे पूरे टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर उसको जो है वो ओशंस कंट्रोल करता है, इवन ड्राइव करता है. यूँ समझ लें कि उसको उस ओशंस को हमारे टेम्परेचर को ड्राइव करता है. अगर ओशंस ना हो तो हमारी जो अर्थ है, जो लैंड एरिया है, वो बिल्कुल बैरन और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसका तकरीबन टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए. ये एक ओवरऑल ओशंस की जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारी अर्थ. अगर हम ओशंस की और करेक्टरिस्टिक्स या हम उसकी क्वालिटीज या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जो है उसकी हम बात करें तो एक तो मैंने अभी आपको पता ही इसकी एज की. दूसरा ये है कि साइंटिस्ट इस बात पे अभी तक इस साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने जो ओशन है उसका अभी तक 5% भी डिस्कवर नहीं किया है. एक मिस्ट्री है इतनी बड़ी कि वो अभी तक सिर्फ साइंटिस्ट उसको सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर सकें और 95% अभी तक जो ओशन है अनडिस्कवर है. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ओशन है हमारी अर्थ में होते हुए और हम हजारों साल से हम इस ओशंस पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम इसके जो बेनिफिट भी ले रहे हैं, और लेकिन फिर भी अभी तक हम इसके और अब मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो रिसर्च हो रही है, उसके बावजूद ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम सिर्फ अभी तक 5% ही डिस्कवर कर सकें.
जो ओशियन है उसकी जो डेप्थ है वो नॉर्मल जो है 4,000 मीटर है, लेकिन एक पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है ग्वाम, उसके पास जो है जो ओशियन की डेप्थ है ऑलमोस्ट मोर देन 11,000 मीटर है। इस डेप्थ का एक नाम दिया गया, उसको कहते हैं मारियाना ट्रेंच। ये इतनी डीप है कि अगर इसमें माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए देन फिर भी जो है तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी वो ये इतनी डीप है वो मारियाना ट्रेंच। यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,800 समथिंग कुछ की मीटर है, और मारियाना ट्रेंच यानी मारियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो मोर देन 11,000 मीटर है, और जो माउंट एवरेस्ट की वो हाइट है 8,800 मीटर, यानी स्टिल 2 किलोमीटर का फिर भी डिस्टेंस रह सकता है। ये एक उसकी डेप्थ है, एक सिर्फ एक छोटा सा जो ओशन का एक ही हम चीज को अभी हम बता रहे हैं। एक हमने एज बताई, फिर हमने ये बताया कि अभी तक हम पूरे जो ओशन है उसको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर सके, इवन सिर्फ 5% डिस्कवर कर सके, और इसकी एक जो डेप्थ है ओशियंस की मारियाना ट्रेंच तकरीबन 11,000 मीटर है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस, जब ओशियंस हमारी लाइफ में या पूरी अर्थ में बहुत, हमने बताया कि बहुत ज्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विदाउट अर्थ लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट। विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ ओशियन। नंबर वन, दे आर द सोर्स ऑफ रेन। यानी अगर हम जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस अर्थ पे जो वाटर है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेक हो, ग्लेशियर्स हो, रिवर हो, और इवन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जो लैंड के नीचे जो हमारे बीनीथ द अर्थ जो वाटर है, रिजर्व वाटर रिजर्व होते हैं, वो सब के सब ओशियंस ही से किसी ना किसी तरह से उनका ओशियंस से लिंक होता है। और जब हम ये बात करते हैं कि इट्स सोर्स ऑफ द रेन, तो रेन की सोर्स कैसे होती है, यानी पूरे पूरा एक साइकिल होता है, जो पहले गर्मी होती है ओशियन से जो है वो वाटर एवोपरेट होता है, वो क्लाउड बनता है, वो क्लाउड जो है वो लैंड एरिया पे आता है, और फिर रेन होती है, और फिर उस रेन से लेक और जो है वो रिवर, और फिर वो दोबारा वापस पानी ओशंस में जाता है। इसी तरह रेन के अलावा जो जो स्नोफॉल भी होती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओशन। तो ये दोनों जो हमारा फिनोमेना है रेन का या स्नोफॉल का, दोनों के दोनों ओशंस की वजह से ही होते हैं। तो पॉइंट नंबर टू इज दे रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर। मैंने इसको भी आपको शुरू में कहा था कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इवन वो ड्राइव करता है, यानी जिस तरह से चाहता है जैसे होता है, जिस दुनिया में जिस तरह के जो टेम्परेचर होते हैं उसको ज्यादा भी करता है और कम भी करता है। ये ज्यादातर लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हम जो कराची के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कभी ओशन वेव्स या इसकी जो सी ब्रीज है वो रुक जाए तो फिर इस कोस्टल एरिया के जो लोग हैं या हमारे शहर का क्या हाल होता है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओशन वेव्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ओशन ये जो सी ब्रीज हैं जो कि ओशन से आती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और डिक्रीज करने में। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था कि इट कंट्रोल इज रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री इज इट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट। ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो थ्रू ओशन ही होती है, यानी अगर ओशियंस जो हमेशा से जो है वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो ओशन की ही थ्रू होती है, और सबसे चीप है, और बहुत ज्यादा जो अमाउंट में जो गुड्स हैं वो ओशन के थ्रू
ट्रैवल करती है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बाई एयर, बाई रोड या बाई ट्रेन। बहुत मुश्किल होता है, बहुत लिमिटेड उसका जो क्वांटिटी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, बट ड्यू टू ओशियंस एक बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है और गुड्स की हैंडलिंग और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ओशियंस। तो इस हवाले से भी ओशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है और लगेज है और जितनी भी ट्रैवलिंग मोड्स हो वो ओशियंस के थ्रू ही होती हैं। पॉइंट नंबर फोर इज दे आर द सोर्स ऑफ फूड। ऑब्वियसली ओशियंस, हम पूरी दुनिया में ओशियन फूड्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यानी जब से ये दुनिया बनी है शायद उस वक्त से ओशियंस जो है हमारे फूड की जो है नीड्स को पूरा कर रहा है और अभी तक उसमें कोई कमी नहीं हुई है इस जो हमारी फूड की उसको प्रोवाइड करने की, उसमें कोई कमी नहीं हुई है और स्टिल वी हैव बहुत ज़्यादा अभी भी फूड की वैरायटी जो है हमें यही ओशियन प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट नंबर फाइव, द ओशियन सप्लाइज सम मिनरल्स। यानी ओशियन सप्लाइज सम मिनरल्स, यानी हमें ओशियन से सम या बहुत ज्यादा मिनरल्स भी मिलती हैं। ओशियन हमारा एक, ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट का बाइस बनता है कि बहुत सारी मिनरल्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है वो ऑयल एंड गैस है, जो कि हमें ओशियन से ड्रिलिंग करने से हमें मिलती है और इसका बहुत चीप और बहुत ही बड़े पैमाने पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इन तमाम बेनिफिट लेने की बावजूद और बहुत सारी चीज़ें और इसकी जो अर्थ का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इतना बेनिफिट लेते हैं, तो हम बहैसियत जो इंसान ये समझते हैं कि दिस इज़ अ ग्रांटेड, ये तो हमारा हक है, इसलिए हम इसको जैसा चाहें इस्तेमाल करें। और हमारी इसी सोच ने ओशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हम बहुत ही टॉक्सिक इसमें जो है डंप करते हैं सेंटर ऑफ द ओशियंस, और ओशियंस को जो हमारी जो मैरीन लाइफ है इससे बहुत, हमारी जो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द ओशियन उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। उसके जो कोरल रीफ्स हैं जो कि श्रिम और फिशेस की हैचरीज होती हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इवन जो इसके ओशंस के किनारों पे जो मैंग्रूव्स होते हैं वो हमारी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सारा वेस्ट वाटर और टॉक्सिक वाटर ओशंस में जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारी जो एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ओशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ओशियंस और ओशियन लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे ओशियंस और मरीन लाइफ को नुकसान हो। ओके, नाउ वी आर कम टू अवर न्यू टॉपिक, वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। बेसिकली वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच द वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। अब यहाँ पे इसकी दो दो फॉर्म्स होती हैं, जिसमें रेनफॉल और स्नो फॉल जो है, ये दो तरह की जो है वो वाटर साइकिल की दो फॉर्म्स में हम देखते हैं पूरे साइकिल को। लेकिन इससे पहले हमने क्या कहा कि वाटर वेपर्स का जो एक सर्कुलेशन होता है थ्रू ओशियन, एटमॉस्फेयर देन लैंड, ये एक पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का। होता क्या है कि जब हीटअप की वजह से, जब सनलाइट की हीट होती है तो ओशियंस का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बन के जो है वो एवोपरेट होता है एटमॉस्फेयर में। और हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, जो वाटर का जो ओशन का टेम्परेचर है उससे बहुत कम है। उस डिक्रीजिंग जो एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर जाते हैं तो वो एक दूसरे हो जाते हैं, वो एक दूसरे से मिलके ड्रॉप्स की सूरत बन जाती है।
और हमने अपने आप में ये भी जानते हैं कि जो ये जब वाटर वेपर बन जाते हैं तो ये लैंड की तरफ कैसे आते हैं, इसका एक अलग एयर का या जो विंड का फिनोमेना है वहां पे ये जो है यूज या स्टार्ट होता है जब, यानी विंड जो है ओशन से लैंड एरिया की तरफ चलती है, क्योंकि लैंड एरिया बेसिकली जो है वो हॉट होता है और ओशन या एटमॉस्फेयर जो हमारा जो है वो कूल होता है और ठंडा होता है। इसकी वजह से वो एयर जो है वो ओशन से लैंड एरिया की तरफ चलती है, दैट्स वाई वो जो है सारे वाटर वेपर जो है वो ओशन से या हमारे एटमॉस्फेयर से लैंड एरिया की तरफ जाते हैं, ये इसका पूरा फिनोमेना है। अच्छा, जब वाटर वेपर जो इसमें, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमने ये देखा है कि वाटर वेपर ये ओशंस का जो है वाटर बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, कोई आप बता सकता है कि इतना ज्यादा सॉल्टी होता क्यों है ये? इसका रीजन ये है ओशंस के वाटर के सॉल्टी होने का कि मिलियंस ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चल रहा है इसी वाटर साइकिल का, जब से अर्थ बनी है और ओशंस बने हैं उस वक्त से ये वाटर साइकिल का ये प्रोसेस जो है चल रहा है, यानी वाटर वेपर जब एवोपरेट होता है ओशन से, वेपर बन के ऊपर जाता है तो उसका जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है, ओशंस में रह जाता है और वेपर्स जो है ना वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये फिर जब वो ओशन से वापस जो पूरा एक प्रोसेस होता है वो जब रेनफॉल या स्नोफॉल होती है उसके थ्रू, जब वो रिवर के थ्रू वापस ओशन में वो पानी आता है, इस तरह ये साइकिल मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है। तो जितना पानी जाता है वो अपना जो सॉल्ट है वो ओशन में ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से ओशन ग्रेजुअली जो है इतना सॉल्टी हो गया, ये इसका एक मेन रीजन है सॉल्टी वाटर होने का। अच्छा, जितना पानी एवोपरेट होके हमारे लैंड एरिया पे जाता है थ्रू, और वो फिर वो ड्रॉप होता है थ्रू रेन या स्नोफॉल, तो उसका 75% जो है ना वापस ओशन में आ जाता है और सिर्फ 25% जो है वो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कुछ जो अर्थ है वो सोक कर लेती है और उससे फिर जो है वो जो ट्रीज हैं या हमारे जो फॉरेस्ट है वो सारा उस वाटर वेपर को दोबारा अर्थ को सोक करते हैं और फिर से जो है वो इस पूरा वाटर साइकिल में ये भी एक रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है जो जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, जब हमने पूरे एक वाटर साइकिल बताया कि किस तरह से ओशन से वाटर वेपर एवोपरेट होते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर कूल होते हैं, देन वो लैंड या हमारे लैंड एरिया पे इन रेन और स्नोफॉल, इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नोफॉल पे वो वापस जो है वो जमीन पे आते हैं और ये साइकिल कंप्लीट होता है, फिर ओशन रिवर और लेक्स और इनके थ्रू वापस वो ओशन में चले जाते हैं, इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है और इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये साइकिल यानी 70% जो है वो ओशन है पूरे अर्थ पे, लेकिन ये स्नो और रेनफॉल का सिस्टम जो है पूरी जो अर्थ है या पूरी जो हमारे कॉन्टिनेंट, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं सब में सेम एज नहीं होता है। इसका एक डिफरेंट रीजन है कि ये पूरी वर्ल्ड में सेम क्यों नहीं होता, वाटर वेपर हर जगह होते हैं, हर जगह पूरे ओशन से वाटर वेपर जो है ना एवोपरेट होते हैं ओशन से, बट रेनफॉल और स्नो का जो है फिनोमेना सेम नहीं होता है। हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट रेनफॉल का जो एरिया है वो इंडिया का एक चिरापूंजी डिस्ट्रिक्ट चिरापूंजी है, जहाँ 18,700 mm जो रेनफॉल हुई है इन 1860 एंड 61 में, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं 18,700 mm पर ईयर, और जो पर ईयर की एवरेज है, और अगर हम पर डे की बात करें वो भी इंडियन ओशन में, री यूनियन आइलैंड है यहाँ 1952 में 1,870 mm जो रेनफॉल पर डे हुई थी 19, ये इस यानी ये दुनिया का जो वर्ल्ड का हैवीएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड है। ऑन दी अदर साइड हम ये देखते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्री चिली का जो अटाकामा डेजर्ट है वहां सिर्फ 0.5 mm इन लास्ट 43 ईयर्स में जो रेनफॉल हुई है। तो अटाकामा इज द
वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, यानी 43 में जस्ट 0.5 mm और यहाँ 43 F में, और ऑन दी अदर हैंड जस्ट वन डे में 1870 mm पर डे रेनफॉल हुआ था। ये एक डिफरेंट जो है रेनफॉल और स्नोफॉल का एक फिनोमेना है, जो एक इसकी एक अलग साइंस है और अलग रीजन होते हैं कि किस इलाके में या किस वर्ल्ड के किस एरिया में बहुत ज्यादा जो रेनफॉल क्यों होती है, या और किसी इलाके में रेनफॉल किस रीजन में रेनफॉल क्यों नहीं होती है। ओके, अब हमने आपको एक वर्ल्ड का जो रेनफॉल का एक फोरकास्ट बताया, और पूरा जो पूरी दुनिया में रेनफॉल का क्या कहाँ कम और ज्यादा होती है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं सिलसिले में, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है एवरेज जो है 250 mm रेनफॉल होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कम है, नॉट इनफ फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल का जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। बड़ी क्रॉप में कॉटन और राइस और वीट होता है, जबकि पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। इट मींस कि यहाँ पे वाटर है इनफ इरिगेशन के लिए। वो कैसे आता है? रिवर के थ्रू, और रिवर जो है हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो ग्लेशियर्स हैं, जब वो मेल्ट होते हैं और उस रिवर के थ्रू पानी आता है, जो कि नॉर्मली बहुत ही कोल्ड होता है। और इसी जो हमारी जो प्रसिपिटेशन का फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड की ग्लोबल वार्मिंग में जो है इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो ग्लेशियर जो है वो ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं और उसका ज्यादा रिवर में पानी आ रहा है। इन और इसका जो साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, इन फ्यूचर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो चुके होंगे और रिवर में पानी कम हो जाएगा। तो ये पूरा एक वाटर साइकिल है, कहीं पे रेन बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे ग्लेशियर होते हैं उसके पानी को यूज किया जाता है, लेकिन ये तमाम का तमाम वाटर साइकिल कहलाता है। और वाटर साइकिल की डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फिनोमेना है, और उसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट हैं जो सिर्फ वाटर साइकिल ही की वजह से होते हैं। और हम आज जो इंसान है इस अर्थ पे रह पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओशन एंड वाटर साइकिल। All the water on Earth today, every drop, is all the water there has ever been on the planet. Fresh water is actually millions of years old, the same water flowing in a continuous loop, falling as rain and snow from clouds to the Earth's surface, running in rivers, pooling in ponds, flowing from faucets, irrigating crops, traveling through plants, generating power, eventually evaporating into the air and condensing into clouds again. Why is there life on Earth? And the reason there's life on Earth is because Earth has this perfect water cycle. The water cycle. So simple, even small children understand the basics. Yet so complex, the most advanced Earth scientists, hydrologists, geologists, and biogeochemists are studying every part and process. How to summarize what is known about the water cycle? With two words, flows and stores. The water cycle is a series of flows of water between various water stores or storages. Clouds in the atmosphere. There's a lot of water in the ocean, 70% of all the water on Earth. In the ice sheets and glaciers, 2/3 of all the fresh water on Earth. In the snowpacks atop mountains like the Sierra Nevada, in the Great Lakes, in rivers and streams, in reservoirs and watersheds, in wetlands, in the soil, in and on plants and trees rooted in the soil, and beneath the soil, in water tables and underground aquifers like the Ogallala High Plains, which runs underneath parts of 8 states from South Dakota to Texas. All this storage is temporary. Water in all its forms is always in flux and always moving. And there is a name for every kind of movement in the water cycle, starting with precipitation.
precipitation is the process of water falling onto the surface of the earth. You can have precipitation in many forms: rain, snow, hail. Rain is falling water in liquid form. Snow, ice, hail, and sleet are falling water in solid or frozen form. Fog and mist, falling water in gas or vapor form. Precipitation that falls directly onto the oceans becomes part of surface ocean and can be churned by wave and wind action into ocean currents. Rain and snow that falls directly on rivers and streams becomes one part of stream flow. Rain that falls onto land takes a different path to the river, as does the snow and ice that falls and collects on mountaintops when temperatures warm. When snow melts, some of it runs through the about that precipitation that falls on and over land. Some is intercepted by vegetation, plants, and trees. Like you might imagine someone in the game of football intercepting a pass, these are raindrops trying to come to the ground, and the leaves on the tree intercept them before they hit the ground. And the precipitation that does hit the ground, it can run off if the ground is hardscaped, covered with asphalt or concrete, or if the soil is too wet or saturated to absorb more water, like an over-soaked sponge. Otherwise, precipitation infiltrates the soil surface, percolates into the ground. Think of it as the water percolating through your coffee grounds in the morning. Gravity continues to pull it downward, so it will move through. Through the topsoil, into spaces between soil and rock particles, down to bedrock and further into fractures, into deep underground aquifers. Even groundwater here is moving sideways or laterally, discharging toward a river, lake, or the sea. Generally, the deeper the flow, the slower. And how does water get back out into the atmosphere? It evaporates, is turned from a liquid into a gas or vapor by the heat of the sun. If you put a bit of water into a bowl and you set it outside on a sunny day, it's going to disappear. It's still water, it's just in the form of a gas rather than the form of a liquid. Water evaporates from every wet surface, even from wet air. Some rain and snow evaporates into the air while falling. Water evaporates through our respiration and perspiration, and from plants through transpiration. Trans means through or across. Plant roots draw up groundwater. And plants pull that water up through their stems into their leaves and then release it back out through evapotranspiration. Evapotranspiration, a spelling bee-worthy term for evaporation from soil and water surfaces plus transpiration from plants. Evaporated water molecules are tiny enough to flow into the air, mix with smoke and dirt particles in the atmosphere, cool, condense into visible masses of water vapor, clouds. Winds move clouds into colder air. Water droplets collide and merge, grow bigger and heavier, until they are so heavy they fall again, as rain or snow, sleet or hail. Precipitation, collection, runoff, interception, infiltration, percolation, discharge, transpiration, evaporation, condensation. The water cycle.